वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टूडेंट। आज जो मेडिसिन मैं आपके साथ लेके आई हूँ वो है इंसोगेट। ये है इंसुलिन, इंसोगेट रेगुलर, ठीक है। ये है ह्यूमन इंसुलिन आर डीएनए ओरिजिन है इसका। ये जो उन पेशेंट्स को हम लोग देते हैं जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, मतलब के पेनक्रियाज, जिन्होंने इंसुलिन बनानी है तो वो बंद हो जाएगी। हम लोग कुछ खाते पीते हैं तो हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज जा रहा है वो जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा और वहीं पे हमारे डिपॉजिट होना स्टार्ट, कोई इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रही है जो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। इस तरह हमारे बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। इंसोगेट आर का क्या मतलब है कि इसकी हाफ लाइफ जो है हमारे पास तकरीबन 6 से 7 घंटों तक के लिए होती है। इंसुलिन ये जो है इंजेक्शन सोलोबल है, इसमें मतलब के ट्रांसपेरेंट लाइक मटेरियल होता है और मेरे पास ये 10 ml है। जैसा कि आपको पता है ये इंसुलिन है तो थ्रू हम सिरिंजेस वगैरह के थ्रू ये इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन की बॉडी में। इसकी डोज की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ये अकॉर्डिंग टू जो है, वैसे तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन ये खाने से जो है 1 घंटा पहले या मतलब के खाने से पहले ही लगाई जाती है ताकि बॉडी पे एक्ट कर सकते हैं हम कुछ खाएं वगैरह। तो वो कितनी अमाउंट में लगानी है वो हमें हरे अकॉर्डिंग इंसान की बॉडी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कि अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये हम लोग फ्रीज नहीं करते हैं बल्कि इसको जो है फ्रिज वगैरह में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे ये नहीं सही रहती। इंसोगेट आर के साथ साथ हम लोग जो है ना इंसोगेट एन भी देते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका भी रिव्यू ज़रूर दूंगी और कितनी अमाउंट हम यूज़ करवाते हैं वो भी ज़रूर बताऊंगी। जब हम बाहर से बहुत कुछ लाइक खाना वगैरह खा ले हैं लेकिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो ज़्यादा हो गया हमने क्योंकि बाहर से ईटिंग की है, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, लेकिन जो पेनक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हम लोग बॉडी से बाहर से ये आर्टिफिशियल जो तैयार करता है इंसुलिन है हम बाहर से इंसर्ट करते हैं ताकि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। लेकिन अगर इसके इस्तेमाल के बाद हमने कुछ खाया पिया नहीं तो शुगर कम होने के भी चांसेस होते हैं। ये इसका एक साइड इफेक्ट है, लाइक हम लोगों ने लगा तो ली इंसुलिन लेकिन उसके बाद कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो इस तरह क्या होगा, इंसुलिन हमारे बॉडी में बढ़ रही है, इसलिए शुगर लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसकी मैं आपको एक्सपायरी डेट बताती जाऊँ तो 2024 है और इसकी प्राइस 649 rupees है। देखें इसके ऊपर लिखा भी हुआ टू बी सोल्ड इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, मतलब कि आपने ये खुद से नहीं इस्तेमाल करने लग जानी, ये एक नहीं कि आपने वीडियो देखी है तो आप खुद से डॉक्टर बन जाएंगे, आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है। इसको इंसोगेट आर रेगुलर इंसुलिन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका लाइफ टाइम जो होता है बहुत कम होता है, मतलब कि ये उसी टाइम एक्ट करती है, 6 से 7 घंटे तक इसका एक्ट रहता है। ये इंसोगेट तो ब्रांड नेम है, दूसरे ब्रांड्स नेम में भी ह्यूमलिन वगैरह में भी ये पाई जाती हैं इंसुलिन, ठीक हो गया। आई होप आपको इसका रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।